जी हम दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है और वो हमसे बार बार पूछ रहे हैं कि सर केवीएस सीपीटी जो है वो प्रैक्टिकल होगा। देखिए, हमने इससे पहले आपको कई वीडियो में बता चुके हैं कि प्रैक्टिकल नहीं होगा। जिस तरह से पिछले ईयर हुआ था उसी तरह होगा, लेकिन बहुत से लोग बता रहे हैं कि ज़्यादातर चैनल वाले प्रैक्टिकल बता रहे हैं। तो देखिए, मेरे पास कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है प्रैक्टिकल का, लेकिन ऑब्जेक्टिव का जो इसके पहले हुआ है एमसीक्यू, उसका प्रूफ है। अगर आप गूगल पे भी डालेंगे, अभी ये मेरे हिंदी है, केवीएस जेएसए सीपीटी टेस्ट, अगर इतना भी आप टाइप करेंगे तो आपको देखेंगे, आपको लिंक कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये देखिए, नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा केवी संगठन या ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप यहाँ पे देखेंगे तो एक डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन दिख रहा है, इसको आप जब डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास 1 2 3 4 5 5 लिंक मिली हैं, और ये केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट का पीडीएफ है। यहाँ पे देखिए, वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे मॉक सीपीटी प्लस एमसीक्यू, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, मैं इसको राइट क्लिक करके देखता हूँ, इसमें सिर्फ जो है सीपीटी एमसीक्यू दिया हुआ है। इसमें सीपीटी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट भी दिया हुआ है, इसमें हिंदी टाइपिंग टेस्ट दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे आपका स्टेनो का दिया है, नीचे स्टेनो नीचे हिंदी, ऊपर इंग्लिश है। अब देखिए, इसको जब आप साइनिंग करेंगे, हमने इसको दिखाया हुआ है कई बार, तो यहाँ से आपको लैंग्वेज चूज करने के लिए मिलेगा, आई एम रेडी टू बिगिन। बहुत से लोग पूछ रहे हैं दोनों लैंग्वेज में होगा कि सिंगल एक लैंग्वेज में होगा, तो यहाँ पर लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, आप यहाँ से लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है सीपीटी, देखिए एमएस वर्ड में पाई का मूल क्या होता है, तो 3.1416 होता है, ठीक। इसको तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ चूंकि एक डेमो है, इस वजह से इसमें सेम क्वेश्चन को बार बार 2500 क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन रखा गया है। ये देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जितने भी क्वेश्चन आप सेव करेंगे ये यहाँ पे ग्रीन हो जाए। उसके बाद जब एक्सेल में आप आएंगे तो एक्सेल में भी यहाँ पे आपको एक्सेल के 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पावर पॉइंट में आएंगे, पावर पॉइंट में भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। हमने इसे कई बार बता दिया है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग गुमराह कर रहे हैं। अब पता नहीं वो कहाँ से बता रहे हैं, मुझे जानकारी इसकी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है और जो ऑफिशियल है वो यही है कि आपका ऑब्जेक्टिव ही होगा। और यहाँ पे इंटरनेट के 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये एक डेमो है तो इस वजह से यहाँ पे क्वेश्चन आपको अलग अलग नहीं रखा गया है। तो ये तो था सीपीटी, अब हम इसको अगर कैंसिल करते हैं और यहाँ पे हम लगाते हैं सीपीटी प्लस इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिकल कराएंगे तो प्रैक्टिकल कराने में इतना कम, 1 घंटे के अंदर आप सारा कुछ नहीं करा पाएंगे। देखिए, यहाँ पे 45 मिनट आपका समय दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए, पहले आपका ये एमसीक्यू होगा, यहाँ पे देखिए साफ साफ एमसीक्यू भी दिया हुआ है। एमसीक्यू आपका कंप्लीट होगा, फिर आपको 5 मिनट के लिए डेमो मिलेगा, फिर उसके बाद आपका 10 मिनट के लिए टाइपिंग होगी, यहाँ पे जैसा कि दिया है। जब तक ये टाइमिंग कंप्लीट हो नहीं जाएगी तब तक यहाँ पे हम नेक्स्ट नहीं कर पाएंगे। बाकी टाइपिंग किस तरह से होती है हमने इसके पहले आपको दिखाया था, कि मैं फिर भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जब इस पीडीएफ को खोलेंगे तो अब नीचे वाले में देखेंगे, इस दोनों वाले में टाइपिंग सेम तरीके से दोनों में होना है। अगर मैं चलिए हिंदी वाले को देख लेता हूँ एक बार करके, हिंदी वाले में भी, लेकिन पहले आपको कंप्यूटर का ही क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए, इस वजह से इसमें भी सेम टू सेम वैसे होगा। ये देखिए, इसमें भी सेम वैसे ही आ रहा है। अब आप अभी नेक्स्ट पे नहीं जा सकते जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा। टाइपिंग के लिए हम स्टोनो वाले लिंक पर चलते हैं, चूँकि स्टोनो वाला लिंक हमारा ओपन हो जाता है। स्टोनो वाले में पहले आपको स्टोनो का टाइपिंग ही करने की देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर जब हम नेक्स्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे टाइपिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर आप टाइपिंग करेंगे तो यहाँ पे आसानी से आपको टाइपिंग हो जाएगी। यहाँ पे राइट साइड में टाइमिंग चल रही है, यहाँ पे हमको टाइपिंग करना है। जैसे यहाँ पे हम टाइपिंग करते हैं तो यहाँ पे देखिए आप, ये पीला कलर में है, होता चला जा रहा है। यहाँ पे बैक स्पेस अलाउ, देखिए बैक स्पेस होता चला जा रहा है, कई बार भी यहाँ पे बैक हम कर पा रहे हैं।
दोस्तों ये डेमो टेस्ट था अभी तक। देखिए यहाँ पे 5 सेकंड बचे हैं, देखते हैं सबमिट होता है किस तरह से हो रहा है। और ये टाइमिंग कंप्लीट हुई, अब यहाँ पे दिखा रहा है कि इलेप्स टाइमिंग 5 मिनट, ग्रोस कीवर्ड स्टॉक काउंट, यहाँ पे दिखा रहा है कितने बार आपने टाइपिंग की है, ये सब दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे आगे जाने के लिए अभी कोई लिंक मुझे नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ब्रेक टाइम दिखा रहा है 5 मिनट, अब ब्रेक टाइम मिलेगा, यानी 5 मिनट आपको डेमो मिलेगा, 5 मिनट के बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक टाइम है, उसके बाद ये आगे जाएगा। फिर इसका भी हम वेट कर ही लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका रेस्ट टाइम था वो भी कंप्लीट होने वाला है, और ये कंप्लीट हो गया है। अब ये देखिए ये एक्चुअल टाइपिंग है, अब यहाँ पे आप देखेंगे 50 मिनट के लिए टाइपिंग है, ये स्टोनो का है, इसी तरह से भी आपका जैसे का भी होगा। अब देखते हैं इस टाइपिंग को हम करके। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बैक हो रहा है आसानी से। अब यहाँ पे एक हम गलत करके देखते हैं रेड होता है या नहीं, देखिए रेड भी हो जा रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं सुधारने के लिए कि हम सुधार पाते हैं या नहीं। अब हम यहाँ पे पैराग्राफ को जाके सुधारना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम आएंगे और इस पैराग्राफ को हम सुधारेंगे। अब आप देखेंगे कि पैराग्राफ को हमने सुधार दिया है और ये सही भी हो गया है और रेड भी हट गया है। यहाँ पे जो दिख रहा है उसके हिसाब से तो आप जाके बैक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो जा रहा है। देखिए हमारा गलत हुआ है, उसको हम छोड़ते हैं, जो गलत हो गया हो गया। देखते हैं क्या होता है लास्ट में, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है, इतना समय हमको वेट करना पड़ेगा इसके रिजल्ट के लिए। देखिए यहाँ पे हम इसको सबमिट कर रहे हैं, ये हो गया है, लेकिन यहाँ पे हमारे जो गलत हो गए हैं इस पर हम अगर माउस भी ले जाना चाह रहे हैं, यहाँ पे माउस भी चला जा रहा है। पैराग्राफ यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे गलती हुई है, पैराग्राफ हमने सही कर दिया है, उसके बाद डेट में डेट भी हमने सही कर दिया है, ऊपर वाला पैराग्राफ इसको हमको चेंज करना है। अगर इस तरह से हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और यहाँ पे हमको मल्टीपल सही करना है, तो यहाँ पे पूरा आप एडिट कर पा रहे हैं। ये पैराग्राफ अभी नहीं चेंज हुआ है, यहाँ पे स्पेलिंग, अब ये पूरा वाक्य हमने पूरा से पूरा पैसेज हमने सही कर दिया है, कहीं पे भी कोई भी गलती देखने को नहीं मिल रही है। इसको हम सबमिट करके देखते हैं। अब यहाँ पे जो रिजल्ट आया है वो 305 वर्ड काउंट करके दे रहा है, कितने वर्ड आपने 3 मिनट 43 सेकंड में काउंट यानी टाइपिंग की है। और आपने जो मॉक टेस्ट दिया था उसमें आपने 5 मिनट का समय लिया है, लेकिन उसमें आपने 8 ही वर्ड टाइप किए हैं, 8 ही स्ट्रोक। यहाँ पे ये जो स्ट्रोक है इसका मतलब होता है आपने इतने की प्रेस किया है। आई होप अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से हिंदी की टाइपिंग होगी। अब बात करते हैं CPT के क्वेश्चन आंसर की। तो यहाँ पे हमने ई बुक बनाई हुई है, आपको जानकारी होगी, अगर नहीं है तब भी आप देख लीजिए। इसमें आपको MS Office प्लस इंटरनेट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसमें थ्योरी दी गई है, उसके बाद आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए गए हैं। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो आपको Paytm का यहाँ पे QR कोड दिया है, इस पर आप पे कर सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे आपको वहाँ पर QR कोड मिल जाएगा। 94-15-190-193, इस पर आपको जैसे आप पेमेंट करेंगे आपको तुरंत PDF वहाँ पे मिल जाएगी, आपको 20 रुपये की पेमेंट वहाँ पे करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।